उसके सिस्टम पर ईडी का शिकंजा। रेव पार्टी, सांप नशा, एल्विश का धंधा। झूठ के कारोबार का खोलेगा राज। एल्विश के सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी के लखनऊ के जोनल ऑफिस ने जांच भी शुरू कर दी है। ईडी जल्द ही एल्विश को समन भेजेगी और यही नहीं, एल्विश के साथ साथ होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ की तैयारी है। एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले को, एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप है और उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी लेकिन इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। चलिए अब आपको सुनाते हैं महंगी गाड़ियों और महंगे घर को लेकर एल्विश पर लग रहे आरोपों पर एल्विश के फादर ने क्या कहा है। ये गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि भाई चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के, कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है। अरे मेरा मकान लोन पे चल रहा है, मेरा उसमें जमीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है मेरा, जिसमें मैं मकान बना रहा हूँ। ऑस्टेज कोटा होता है, सॉरी वो जो कोलाबरेशन होता है जमीन के पैसे ना लेकर जमीन के बदले में प्लॉट, एक पॉलिसी है प्राइवेट कंपनियों की, तो उसको भी लोग मतलब, या वो भी कई बार मजाक में कह देता है मेरा घर ही है। अरे प्लॉट खरीदना कितना महाभारत है, वो तो पता लग जाएगा गुड़गांव में प्लॉट खरीदे देखो या दिल्ली जैसे शहर में, कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कई चीज़ें दिखाने हवा हवा मतलब उसके लिए होती है कि किराए ले रखा है, जिसमें अपना स्टूडियो बनाया हो उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है और मैं मकान बना रहा हूँ वो मेरा सब कुछ उस पर है। बहुत बाद की बातें हैं लेकिन जो फिलहाल ये लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं ये वो हैं, तो उन चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है जो दूसरी गाड़ी है वो तो सेकेंड हैंड, हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो के लिए, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो एक दो महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता, या फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए किसी की भी है, उसमें भी नई गाड़ी, कई कह देते हैं भाई मेरे पास नई गाड़ी आई इसको दिखवा लेना। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं या और क्या सोच रहे हैं, मैं शाहरुख खान जी माले को यूज़ कर रहे हैं, मैं सोचूँ उसी की है, क्या पता एक्चुअल में क्या है। और भाई आपको पूरा मामला बताते हैं। यूट्यूबर बिग बॉस ओटीटी 2 विनर यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स, एल्विश यादव की यह पहचान हुआ करती थी जो खुद को सोशल मीडिया का शहंशाह समझने लगा था, जिसकी शोहरत ने उसे उम्मीद से ज्यादा दौलत दिलाई, मगर एक चूक और सब कुछ काफूर होता दिख रहा है। सांप और सांप के जहर के कारोबार के आरोप में फंसे एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और जहर के कारोबार के नेक्सस का भी भंडाफोड़ होता जा रहा है। पुलिस ने देव पार्टी में सांप और उनका जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश के कई साथियों पर शिकंजा कस दिया है। कोबरा कांड में फंसकर जेल की हवा खाने और जेल से जमानत के बाद भी यूट्यूबर एल्विश की मुश्किलें कम नहीं हुई। सांपों के जहर की तस्करी और रेव पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने चार्जशीट में एल्विश यादव और उसके जहरीले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है, जो उसके कई सिस्टम की सच्चाई बताता है। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विश सपीरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के काले धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ वीडियो, कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आधार बनाया है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी एल्विश यादव पर शिकंजा कस दिया है। ईडी की लखनऊ यूनिट ने जांच शुरू की है। सांपों के जहर खरीद फरोख्त मामले में ईडी समन भेजकर एल्विश यादव से पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 51 में रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने का मामला सामने आया था, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव आरोपी था। मामले की जांच के बाद बीते 17 मार्च को एल्विश यादव को गिरफ्तार भी किया गया। अब ईडी पैसे के लेन देन को लेकर जांच करेगी। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े होटल और क्लब में होने वाली रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई की जाती है, जिसका बड़े पैमाने पर लेन देन होता है। लंबे लेन देन की डिटेल के अनुसार ईडी ने जांच शुरू की है। यही नहीं, एल्विश के साथ साथ होटल रिसॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ की तैयारी है। ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले को लेकर भी जांच करेगी। एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप है और उसके खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। लेकिन जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे एल्विश पर शिकंजा कसता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।